माननीय प्रधानाचार्य, आप जी इंटर कॉलेज समस्त शिक्षकगण जो पूर्ण समर्पण के साथ मेहनत के साथ इस शिक्षा संस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने इस प्रयास में पूर्णतः सफल भी हैं, इन सभी का यह संयुक्त प्रयास है जिसकी परिणति इस शिक्षा संस्था को एक बहुत ही गौरवमय और गरिमामय छवि प्रदान कर रही है। स्वयं मुझे और मेरे सभी सहयोगियों को ये यहाँ तक अपनी कुछ विचार व्यक्त करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। मेरा संक्षिप्त परिचय, माइसेल्फ आरपी शर्मा। मेरी बैकग्राउंड कोई बहुत अच्छी नहीं रही है, हम विलेज बैकग्राउंड को बिलोंग करते रहे हैं। जो कुछ मैं अपने शब्दों में कहूंगा वो बिल्कुल सच होगा और इनके पीछे मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ऐसा बोल मेरे पीछे कि जब हमारे जैसे स्टूडेंट, कभी हम स्टूडेंट भी रहे हैं, हमारे जैसे व्यक्ति भी, हमारे जैसे छात्र भी, हमारे जैसे व्यक्तित्व भी उन गहराइयों से या उन अंधेरे या गुमनामियों से बाहर आकर अपनी पहचान बना सकते हैं, तो आप सब लोग जो बिल्कुल शहर के बीच हैं और बुद्धिजीवियों के बीच हैं, तो आप अपने जीवन में बहुत ऊंचे लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, विशिष्ट उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। मैं इसकी कामना करता हूं आपके लिए। जो लेखन है या हैंडराइटिंग है, इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आमतौर पर हम इसे नकारते रहते हैं, लेकिन हैंडराइटिंग का एक विशिष्ट टीचर्स को पक्ष है। मैंने पहला एमए इकोनॉमिक्स में किया, उसमें मुझे फर्स्ट डिवीजन आई, लेकिन फिर भी मैं कुछ अलग करना चाहता था। इसके बाद मैंने अपना दूसरा एमए पोस्ट ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी में किया, उसमें मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया। तीसरा एमए मैंने हिस्ट्री में किया, फिर उसमें मेरी फर्स्ट डिवीजन आई। फिर मैंने इतिहास में और समाजशास्त्र विषयों में मैंने नेट क्वालिफाई किया, नेट परीक्षा। नेट के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये परीक्षा डिग्री कॉलेज के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और डिग्री कॉलेज में लेक्चररशिप के लिए ये आज मिनिमम क्वालिफिकेशन मानी जा रही है। तो हम ये चाहेंगे कि नेट परीक्षा आप भी आने वाले समय में उत्तीर्ण करें। मेरी छोटी सिस्टर अभी मध्य प्रदेश कैडर में पीसीएस ऑफिसर हैं, उनके भी अतीत के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि वो ग्रिप्स से लेके और आपकी सोच और आपकी कई पक्षों के बीच एक बेहतर तालमेल यदि बना रहता है तो आप प्राप्त कर पाते हैं। मेरी छोटी सिस्टर जो इसमें मध्य प्रदेश पीसीएस कैडर में पीसीएस ऑफिसर है, रतलाम जिले में पोस्टेड है, एसडीएम की पोस्ट पर है। वो एक समय